फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हम हिबिस्कस के प्लांट लाए हैं नर्सरी से, और इसकी आज हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे, जिसमें हमें 50% गार्डन सॉइल चाहिए होती है, 50% काउडंग, और 30% कोकोपीट, और 10% वुड एश एश। और कोकोपीट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये पॉट का वेट कम कर देता है, और ये प्लांट्स की रूट के लिए अच्छा होता है। ये हमारा प्लांटर है, मार्केट में बहुत तरह के प्लांटर मिलते हैं, आज हम इसी में रिपोर्टिंग करेंगे। हम अभी फिर सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और हम आपको बताना भूल गए थे, तो जो वुड ऐश होती है वो जो फंगस लग जाते हैं रूट में प्लांट्स में, उससे मदद करता है, उससे बचाता है प्लांट्स को। इस सॉइल मिक्स को प्लांटर में डालने जा रहे हैं। पहले ही हम लोग इसको पूरा फिल नहीं करेंगे, हाफ फिल करेंगे, फिर उसके बाद हम ये हमारा प्लांट जिसे हम केयरफुली निकालेंगे ताकि इसकी जो रूट है वो डैमेज ना हो जाए। अब देखिए, जो हाफ फिल प्लांट थी उसमें पॉटर था, उसमें हमने प्लांट लगा दिया, और जो बची हुई सॉइल है उसे भी हम डाल देंगे। हमारी जितनी भी बची हुई सॉइल थी वो हमने डाल दी, अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी रिपोर्टिंग के बाद हमें थोड़ा सा पानी डालना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं डालते हैं तो प्लांट शॉक में आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब हम इसे शेड एरिया में रख देंगे 24 घंटे के लिए, और 15 से 20 दिन तक इसमें कोई भी कंपोस्ट नहीं डालना है। यह शेड एरिया में अब हम इसे 24 घंटे के बाद शेड एरिया से हटा के सनलाइट में रख देंगे।